हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट वीडियो में हमने फ्लूइड काइनेमैटिक्स का जो मॉड्यूल है, हमारा मॉड्यूल 3, वो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको जो अप्रोचेस है फ्लूइड काइनेमैटिक्स में, दैट इज लैग्रैन्जियन अप्रोच एंड ऑयलरियन अप्रोच, वो आपको समझाया है। ओके, तो अब हम देखते हैं जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको। सो चलिए देखते हैं डायमेंशंस ऑफ फ्लो। डायमेंशंस ऑफ फ्लो नाम से बहुत क्लियर है कि कितने डायमेंशंस में फ्लो हो रहा है। ठीक है, डायमेंशंस मीन्स द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो। अगर फ्लो किसी सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है तो हम उसे कहेंगे वन डायमेंशनल फ्लो। ओके, अगर फ्लो दो डायमेंशन में हो रहा है, यानी कि जो फ्लो वेरिएबल्स हैं लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, अगर वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसको हम वन डायमेंशनल फ्लो बोलेंगे। बेसिकली ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन कई जो फ्लो केसेस होते हैं लाइक फ्लो थ्रू पाइप्स वगैरह का जो केस होता है, उस केस में जो एक्स और वाई डायरेक्शन बोलूं अगर मैं, ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन की बात करूं अगर, तो सपोज ये आपका पाइप है, लेट अस से दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन। सो फ्लो अगर एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो जो चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन वाई एंड जेड डायरेक्शन जो है, वो मोस्टली केसेस में हम देखेंगे पाइप्स के केसेस में कि नेग्लेजिबल होता है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल। तो मतलब अगर वेलोसिटी का जो चेंज है वो रिमेनिंग टू डायरेक्शंस में अगर उतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो हम जो वेलोसिटी का स्टडी करेंगे वो किसी एक डायरेक्शन में करेंगे। ओके, सो इन दैट केस द फ्लो विल बी कंसिडर्ड एज वन डायमेंशनल फ्लो। अगर दो डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा होगा तो उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल फ्लो। और सिमिलरली अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो चेंज है अगर वो तीनों डायरेक्शंस में हो, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शंस में हो, तो उसे कहेंगे थ्री डायमेंशनल फ्लो। ओके, सो जनरली जो फ्लो हम देखते हैं वो एक्चुअल प्रैक्टिस में थ्री डायमेंशनल होता है, लेकिन कुछ कुछ पैरामीटर्स को अगर हम अवॉइड कर दें तो हम उसे टू डायमेंशनल या वन डायमेंशनल फॉर्म में उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे जो उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। ओके, सो दिस वाज द डायमेंशन ऑफ फ्लो। सो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो का जो टॉपिक है फ्लूइड काइनेमैटिक्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से SSC, GATE और IAS में हर साल क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन यहाँ से होता है ना। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर इन टॉपिक्स पे आपकी कमांड नहीं है सो यू विल बी कंफ्यूज्ड। सो इसको अच्छे से पढ़ते हैं जो टाइप्स ऑफ फ्लो का टॉपिक है आपका। ओके, तो सबसे पहले टाइप ऑफ फ्लो देखेंगे हम लोग, स्टडी फ्लो एंड अनस्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो को डिटेल में समझने से पहले कुछ हम अजम्पशंस करते हैं। लेट अस कंसिडर आर इज द सेट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम जानते हैं क्या होता है, एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। जिस पार्टिकल्स से फ्लूइड बना हुआ है उनकी वेलोसिटी वी है। तो किस फ्लो को हम स्टडी फ्लो कहेंगे? तो अगर किसी भी फ्लूइड फ्लो में जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं और फ्लूइड की वेलोसिटी है, अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इफ इट इज इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सच अ फ्लो इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। सो इफ आर, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज, एंड वी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, इज इनवेरिएंट with respect to time, such a flow is called steady flow. And similarly, if the properties of fluid and the velocity of fluid varies with respect to time, such a flow is called unsteady flow. Okay, if properties of fluid and velocity of fluid varies with respect to time, such a fluid flow, such a fluid flow is known as unsteady flow. Okay, so ये steady flow और unsteady flow की basic definition हो गई। So मैंने कहा R और V ये दोनों time के साथ change नहीं होते हैं, तब उसको steady flow कहा जाता है। So for steady flow मैं लिख सकता हूं R का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी जीरो। ओके, फॉर अ कांस्टेंट स्पेस। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक कॉन्ड्यूट है जिससे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, इस पे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो किसी
पाइप को या इस कॉन्ड्यूट को मैं नंबर ऑफ सेक्शन में बांट देता हूं ए बी सी. सो ए इज अ प्रॉपर स्पेस, बी इज अ प्रॉपर स्पेस एंड सी इज अ प्रॉपर स्पेस. इनका एक अलग अलग स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना. तो ये किसी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट की बात करें, जहां यहां पर जो मैंने लिखा है डेल आर बाई डेल टी एट अ गिवन स्पेस इज इक्वल टू जीरो. यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैंने ये सेक्शन लिया ए, हो सकता है सेक्शन ए पे वेलोसिटी वी ए हो, बी पे वेलोसिटी वी बी हो, सी पे वेलोसिटी वी सी हो. ये भी हो सकता है कि तीनों बराबर हो. जैसे कि ये पाइप है तो हम बोल सकते हैं कि ये बराबर होगा, लेकिन जैसे कि अगर ये नोजल होता, है ना, कोई एक वेरिंग सेक्शन का पाइप बोलते होता जिसको हम नोजल बोलते हैं, ठीक है. इस केस में अगर मैं वही सेम सेक्शंस लेता हूं ए बी एंड सी, तो ये हो सकता था यहां पर वेलोसिटी वी ए है, यहां वी बी है, यहां वी सी है, एंड वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी एंड वी बी इज नॉट इक्वल टू वी सी. यानी कि तीनों पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती थी, ठीक. तो इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट पे, यानी किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी. मतलब यहां पर अगर वेलोसिटी वी ए है तो वो हमेशा वी ए ही रहेगी. अगर आप t इज इक्वल टू जीरो सेकेंड से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, सो आफ्टर वन मिनट अगर मैं वेलोसिटी नापूं, मतलब टोटल मैंने 60 सेकेंड्स का टाइम दिया इसको, तो आफ्टर 60 सेकेंड भी अगर मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं तो मुझे देखने को मिलेगा कि सेक्शन ए बी सी, चाहे वो पाइप हो चाहे वो ये नोजल हो, दोनों में इन पर्टिकुलर सेक्शंस पे वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है. सो वी कैन से द इन स्टेडी फ्लो द फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ गिवन स्पेस कोऑर्डिनेट. ओके, उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे वेलोसिटी और फ्लूइड प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती है. सेम अगर वो अनस्टेडी फ्लो होगा, सो फॉर अ अनस्टेडी फ्लो आई कैन राइट डेल आर बाई डेल टी एट अ गिवन स्पेस विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. वो चेंज होगा टाइम के साथ किसी पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट में. सिमिलरली वेलोसिटी भी जो होगी, दैट इज डेल वी बाई डेल टी फॉर अ गिवन स्पेस कोऑर्डिनेट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. यानी कि वेलोसिटी भी चेंज होगी किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो, और इस फ्लो को बोलते हैं हम स्टडी फ्लो. सेकेंड टाइप ऑफ फ्लो है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. यहां पर भी हम मानते हैं दैट आर इज द सेट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड. सो किस तरह की सिचुएशन में हम उस फ्लो को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, ये देखते हैं. जैसे कि स्टडी फ्लो में हमने देखा, स्टडी फ्लो में जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड की वेलोसिटी थी वो टाइम के साथ इनवेरिएंट थी. सिमिलरली यहां पर जब हम यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे तो यहां पर जस्ट केस उल्टा हो जाएगा. यानी कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी एंड फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इट विल बी इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस. ओके, सो मैं लिख सकता हूं इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस. यहां पर याद रखना है कि स्पेस के साथ ये चेंज नहीं होता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ये चेंज नहीं होगा. सपोज मैं थ्री डायमेंशन स्पेस की बात करूं, एक्स वाई जेड डायरेक्शंस की बात करूं, सो इफ अ फ्लो इज यूनिफॉर्म तो फ्लो ना ही एक्स डायरेक्शन में चेंज होगा, ना ही ये वाई डायरेक्शन में चेंज होगा, ना ही जेड डायरेक्शन में चेंज होगा. सो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इफ अ फ्लो इज टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल और वन डायमेंशनल, द फ्लो शुड नॉट वेरी इन एनी डायरेक्शन. ओके, सपोज आपके दो डायरेक्शन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में फ्लूइड की वेलोसिटी सेम है. ओके, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन जेड डायरेक्शन में वो अलग है. सो इस कंडीशन में भी जो फ्लो होगा दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म. ओके, सो व्हाट इज द यूनिफॉर्म फ्लो, इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, दैट इज द डायरेक्शंस, वी कैन से डायरेक्शंस फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. ओके, तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं डेल आर बाई डेल स्पेस, स्पेस की जगह एक्स डेल वाई डेल जेड कुछ भी हो सकता है, फॉर अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. हाँ, यहां एक चीज याद रखनी है कि यूनिफॉर्म फ्लो है या नहीं है ये हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवेल के लिए हम बता सकते हैं. ओके, तो इफ डेल आर बाई डेल स्पेस फॉर अ गिवन टाइम इंटरवेल और अ पर्टिकुलर टाइम इज जीरो, सच अ फ्लो इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो. सिमिलरली फॉर वेलोसिटी वी कैन राइट डेल वी बाई
del space at a given time is equal to 0. So this is the definition of uniform flow. Similarly, मैं बोल सकता हूं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को कैसे डिफाइन करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, कि अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूड एंड द फ्लूड प्रॉपर्टीज अगर स्पेस के साथ चेंज हो तो उस केस में उसे हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे. सो इफ द फ्लूड प्रॉपर्टीज एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूड वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस for a given instance of time, such a flow is known as non-uniform flow. Non-uniform flow. Okay, so इसके लिए I can write del r by del space at a given instance of time will not be equal to zero. Similarly, del v by del space at a given instance of time will not be equal to zero. So this is the complete explanation of uniform and non-uniform flow. So next देखते हैं steady and uniform flow. मतलब जो fluid steady भी है, fluid का जो flow है वो steady भी है and uniform भी है. तो इसमें दोनों की property आ जाएंगी. यानी कि जो fluid की velocity है और उसकी properties जो है वो ना तो time के साथ change होंगी और ना ही given space के रिस्पेक्ट में चेंज होगी. सो ऐसे फ्लूड फ्लो को हम बोलेंगे स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो. यानी कि डेल आर बाई डेल टी एज वेल एज डेल आर बाई डेल स्पेस विल बी इक्वल टू जीरो. सिमिलरली डेल वी बाई डेल टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, बोथ विल बी जीरो. सो दिस इज दी स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो. स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी एंड फ्लूड प्रॉपर्टीज ना तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी और ना ही किसी गिवन स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी. सो दिस इज द स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो. सिमिलरली एक हो सकता है इसमें इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एंड अनस्टडी फ्लो. नॉन यूनिफॉर्म एंड अनस्टडी फ्लो, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये दैट जो फ्लूड प्रॉपर्टी है वो टाइम के साथ भी चेंज होंगी और स्पेस के साथ भी चेंज होगी. सो डेल आर बाय डेल टी एंड डेल आर बाय डेल स्पेस, यानी कि चेंज इन फ्लूड प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन फ्लूड प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, बोथ विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. दोनों की कोई फाइनाइट वैल्यू होगी. सो सच अ फ्लो विल बी नॉन यूनिफॉर्म एंड अनस्टेडी flow. Okay, similarly the velocity of fluid with respect to time will change and velocity of fluid with respect to space will change. Okay, so this will be not equal to zero. So velocity is changing with respect to time and velocity is changing with respect to space as well. In such case we will call it non-uniform and unsteady flow. So this was the non-uniform and unsteady flow. Next dekhte hain hum compressible and incompressible flow. So, compressible flow और incompressible flow ये होता है कि अगर फ्लो में के along जो प्रेशर डिफरेंस है उसके साथ साथ, यानी कि प्रेशर डिफरेंस के कारण या प्रेशर में चेंजेस के साथ साथ अगर फ्लूड की डेंसिटी भी चेंज हो, है ना, तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं हम compressible fluid flow, है ना. और अगर ये जो डेंसिटी की वैल्यू होगी फ्लूड की अगर वो प्रेशर के साथ चेंज ना हो, सो दैट विल बी अ इनकम्प्रेसिबल फ्लो. सो इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूड does not changes with respect to the pressure, that is del rho by del p is equal to zero. क्यों? क्योंकि जो density है rho, that is density is constant and invariant with respect to change in pressure. तो भाई क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, देयरफॉर डेल रो बाय डेल पी विल बी जीरो. सो सच अ फ्लो इज कॉल्ड इनकंप्रेसिबल फ्लो. अगर ये चेंज हो जाए, दैट इज रो इज नो लॉन्गर कांस्टेंट. ओके, रो इज द फंक्शन, सेकंड बन गया आपका, रो इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, प्रेशर के अकॉर्डिंग
जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है. सो डेल रो बाई डेल पी विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी. ओके, सो सच अ फ्लो इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लो. कंप्रेसिबल फ्लो. सो दिस इज, दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लो जो आपको पता होने चाहिए. अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स. ओके, सो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना जरूरी है कि वेलोसिटी क्या है इसमें. ओके, सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, जहां यू वी एंड डब्ल्यू, जो यू वी एंड डब्ल्यू जो है, दे आर फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड एंड टाइम. ओके, दीज आर दी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम. एंड जो यू वी एंड डब्ल्यू है, इसको हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी. ओके, लेट अस कंसिडर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. एक्स वाई जेड एक्सिस जो है, तो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप. सो सपोज ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, दिस इज योर वेक्टर वी, ये आपका वेलोसिटी है एक्चुअल. सो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस दैट विल बी स्केलर. सो दिस इज द यू कंपोनेंट, दिस इज द वी कंपोनेंट एंड दिस विल बी द डब्ल्यू कंपोनेंट. सो कलेक्टिवली इनको हम लिख सकते हैं वेक्टर वी इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप. सो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेलोसिटी. अब क्या कर सकते हैं, अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है. सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी. ओके, सो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं सबसे पहले. डीवी, सो डीवी, अब देखिए जो जो वी है दैट डिपेंड्स ऑन यू स्मॉल वी एंड डब्ल्यू. ओके, एंड मैंने लिखा है जो u, v, w है वो x, y, z और टाइम के फंक्शन है. सो डेफिनेटली जो वेलोसिटी भी होगी दैट विल बी फंक्शन ऑफ x, y, z एंड टाइम, दैट इज स्पेस कोऑर्डिनेट्स एंड द टाइम, इसका फंक्शन होगा ये. सो इसको मैं कंप्लीट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इसका मैं पार्शियल डिफरेंशियल करूंगा. दैट विल बी डेल v बाय डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v बाय डेल y इंटू डी y प्लस डेल वी बाई डेल जेड इंटू डी जेड प्लस डेल वी बाई डेल टी इंटू डी टी. सो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी हमको मिल गई. अब एक्सेलरेशन होता है आपका, एक्सेलरेशन ए दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये होता है. तो इसमें इसको मैं इस इक्वेशन को, लेट अस से दिस इज इक्वेशन वन, इसको मैं अगर dt से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी. सो एक्सेलरेशन ए विल बी डेल v बाय डेल x इंटू डी एक्स बाय डी टी प्लस डेल v बाय डेल y इंटू डी वाई बाय डी टी प्लस डेल v बाय डेल z इंटू dz by dt plus del v by del t into dt by dt. So this is cancelled out. Now acceleration देखते हैं क्या आता है यहां से. So यहां देख रहे हैं हम लोग dx by dt. What is dx by dt? dy by dt, dz by dt. So जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं तीन एक्सिस की बात करूं, x, y, z एक्सिस की बात करूं, स्पेशल सिस्टम की बात करूं, तो इस केस में dx by dt that is the displacement along x direction with respect to time, ये मिलेगा आपको velocity in x direction that is u. Similarly du by dt that is displacement along y, dy by dt, dy by dt देगा आपको displacement along y direction with respect to time that is velocity along y axis. Similarly dz by dt that is the displacement with respect to time along z axis, वो देगा आपको W. तो ये वैल्यूज पुट कर देता हूं यहां पर, ये हो जाएगा U डेल V बाई डेल X प्लस V डेल V बाई डेल Y प्लस W
डेल वी बाई डेल जेड प्लस डेल वी बाई डेल टी। ओके, सो ये जो स्टार्टिंग के तीन कंपोनेंट्स आए हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन और स्पेस कोऑर्डिनेट्स, और जो लास्ट फोर्थ टर्म है दैट इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दोनों जगह देख रहे हैं हम लोग वीआर के वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग के तीन कंपोनेंट्स में विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट, लास्ट का जो फोर्थ कंपोनेंट है उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जब वेलोसिटी स्पेस कोऑर्डिनेट के हिसाब से या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी का चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ओके, सो ये आपकी एग्जैक्ट जो टोटल वेलोसिटी टोटल एक्सेलरेशन है आपका, वो आपको यहां से मिल जाएगा। अब अगर आपको, जैसे मैंने बताया वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स थे आपके यू वी डब्ल्यू, सिमिलरली एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन के तीन कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। अब हम उनकी वैल्यूज देते हैं कि ए एक्स ए वाई और ए जेड की वैल्यूज क्या होंगी। सो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज यू, तो इस इक्वेशन जहां जहां हम लोग वेलोसिटी रखे हैं वेक्टर वी है वहां वहां यू आ जाएगा। सो ए एक्स दैट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी। हाँ, मैंने जैसे बताया कि इसको टेम्पोरल एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको साथ ही साथ इसका एक और नाम है दैट इज लोकल एक्सेलरेशन। ओके, टेम्पोरल एक्सेलरेशन को लोकल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज स्मॉल वी, तो यहां पर वेक्टर वी की जगह में स्मॉल वी पुट कर दूंगा, तो मुझे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन दैट इज ए वाई मिल जाएगा, हो जाएगा यू डेल वी by del x plus v del v by del y plus w del v by del z plus del v by del t। similarly लिख सकता हूं मैं acceleration in z direction az, velocity vector v की जगह जो z component of velocity होता है that is w, वो आ जाएगा, तो ये जाएगा u डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। सो दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। सो हमने देखा कि किस तरह से हम एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है ए एक्स ए वाई एंड ए जेड उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एक बार हम ए एक्स ए वाई और ए जेड कैलकुलेट कर लेते हैं तब उसके बाद हम फाइनली जो एक्सेलरेशन होगा टोटल एक्सेलरेशन होगा ए उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। उसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से दैट टोटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, और जो भी हम लोग यूनिट यूज कर रहे हैं वो यूनिट यहां पर पुट कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एक्सेलरेशन। ओके, एक बार जब ये निकल जाता है तो हम लोग जो भी आपको क्वेश्चन जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है गेट वगैरह में, कई बार आया हुआ है कि आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है वेलोसिटी का, ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल एक बात करूं कि एक वेक्टर वी इज इक्वल टू टू एक्स आई कैप प्लस थ्री एक्स वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा कुछ इक्वेशन आपको दे दिया, ठीक है, और इससे पूछा कि आप इसकी वेलोसिटी बताओ, तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं उसको आप डिफरेंशिएशन उसमें जो भी ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म करके एक्सप्रेशन की वैल्यूज बता सकते हैं। अब इसके बाद यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है जो हमने अभी भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ फ्लो, दैट इज स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सो देखते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो, दैट इज एक्सेलरेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो। तो देखिए सबसे पहला
मैं बात करता हूँ स्टेडी फ्लो के लिए, स्टेडी फ्लो है ना। स्टेडी फ्लो हम जानते हैं ऐसा फ्लो जिसमें जो वेलोसिटी और फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती हैं दैट डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दे आर इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम जानते हैं जो टोटल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन और इसको बोलते हैं हम टेम्पोरल एक्सेलरेशन। ओके, सो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट्स, एंड लोकल एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर फ्लो स्टेडी है तो हम जानते हैं वेलोसिटी विल नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो एक्सेलरेशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लोकल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। सो फॉर स्टेडी फ्लो आपका जो लोकल एक्सेलरेशन होता है, लोकल एक्सेलरेशन वो हो जाता है जीरो। ओके, यानी कि जितने भी टर्म्स है लाइक दिस डी यू बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ये सारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं फॉर अ स्टेडी फ्लो। और जितने भी टर्म है डी यू बाई डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई है ना, एंड डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, ये सारे जो टर्म्स हैं जिसमें हम एक्स वाई या जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, दे रिप्रेजेंट्स कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, वो नॉन जीरो रहेंगे। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ स्टडी फ्लो। सिमिलरली अगर ये आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा तब क्या होगा वो देखते हैं। सो हम जानते हैं यूनिफॉर्म फ्लो में जो फ्लूड प्रॉपर्टीज और फ्लूड वेलोसिटी होती है दैट डज नॉट वेरी विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट, बट वो जो प्रॉपर्टीज है या वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज करती हैं। ओके, सो इन दैट केस हम जानते हैं टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन। ओके, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो सॉरी यूनिफॉर्म फ्लो में जो वेलोसिटी है दैट विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट बट विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा जीरो। सो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो। अब अगर कोई फ्लो स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो है, दोनों है ना, स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो की बात करता हूं मैं, अगर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, यानी कि फ्लो स्टेडी भी है और यूनिफॉर्म भी है, तो उस केस में वेलोसिटी ना तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ चेंज होगी और ना ही टाइम के साथ चेंज होगी। सो इन दैट केस जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है और लोकल एक्सेलरेशन जो है दोनों जीरो हो जाएंगे। सो इन दैट केस ए दैट इज द टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो, है ना। तो यहां कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, ना तो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी और ना ही स्पेस कोऑर्डिनेट्स के साथ चेंज होगी, तो टोटल एक्सेलरेशन जो होगा फॉर अ स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो विल बी इक्वल टू जीरो। सो यहां पर आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे बने बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।